Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है mythology मतलब मिथक का या काल्पनिक का पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो आज जो है एक नया सीरीज शुरू होने वाला है कुसुमता केडिया जी के साथ, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लाम के बारे में, दुनिया क्या सोचती है एंड व्हाट इज द फ्यूचर। तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम कुसुमता, प्रोफेसर कुसुमता केडिया जी। नमस्ते जी। आदित्य जी को नमस्कार, सुनने वालों को नमस्कार, और सत्तोलॉजी को थैंक यू मुझे इतना अधिक समय देने के लिए। नहीं, हम लोग का एक्चुअली आपको और भी ज्यादा समय देना चाहिए और भी सुनना चाहिए, क्योंकि सारा जो आप रिसर्च करते हैं, इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि रिटायरमेंट मनुष्य कभी होता नहीं है, क्योंकि जब तक सांस चल रही तब तक रिटायरमेंट होगा नहीं किसी का भी। मेरा रिटायरमेंट का प्रयोजन था इंटेंसिव एकेडमिक वर्क। बिल्कुल, मैं 40 साल की उम्र से रिटायरमेंट चाहती थी फॉर इंटेंसिव एकेडमिक वर्क। और मैं भी दर्शकों को बता दूं, मेरा रिटायरमेंट का ऑब्जेक्टिव है पूरी दुनिया के 108 बार चक्कर लगाना सनातन धर्म की सेवा के लिए, उसकी जगहों को ढूंढने के लिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो आज जो आपने विषय चूज किया है, एक्चुअली मुझे तो बहुत ही कम जानकारी है, क्योंकि मैं कभी अपने हिस्टोरिकल प्रूफ्स के बाहर निकलता नहीं हूँ। आप देख ही चुके मेरी पुस्तक में, तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग जो है इतना भयभीत होकर घूमते हैं, और इस्लामिक हम लोग जो भी इनके वीडियोस होते हैं जो कि भड़काले वाले होते हैं, जैसे मैं कल एक ही वीडियो पे कमेंट किया था कि हम हिंदुओं को मिटा देंगे, हिंदुओं को भागना पड़ेगा भारत से, एंड आई हियर दिस काइंड ऑफ कमेंट्स, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनका जो सोर्स ऑफ फेथ है सऊदी अरेबिया, वहां पे वो बोलते, कल ही उन्होंने इंटरव्यू में बोला और उसके पहले भी बोल चुके हैं कि कोई भी रेडिकल आइडिया सऊदी अरेबिया में चलने वाला नहीं है, आज से खत्म। MBS ने कल डिक्लेयर कर दिया आज से खत्म, मतलब वहां पे महिलाएं ड्राइव कर सकती हैं, वहां पे महिलाएं बिना बुरके के घूम सकती हैं, वहां पे महिलाओं को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है किसी कोर्ट में जाने के लिए अब, और वहां के महिलाएं योग कर सकती हैं पब्लिकली, ये सऊदी अरेबिया में बोला जा रहा है। लेकिन ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है भारत में और पाकिस्तान में तो हालत खराब ही हो गया है, तो लेकिन भारत में थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज था कि वो किस ताकत में इतना बोलते हैं कि हम हिंदुओं को मिटा देंगे, ऐसा बात करते हैं लोग, तो उससे थोड़ा सा बताइए कि इस्लाम का इतिहास अब फ्यूचर। देखिए, सनकी तो सदा होते हैं, हर समाज में होते हैं, तो अपने यहां भी सनकी है, और ये सनकी ही मेन स्ट्रक्चर के डाउनफॉल के एक महत्वपूर्ण घटक बनते हैं। तो जो मिटा देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, ISIS का खुरासानी कर देंगे, पूरे दुनिया को इस्लामिक कर देंगे, अरे तू खुद नहीं है इस्लामिक भाई कुरान के आगे, तो दूसरे को क्या करेगा। तो ये लोग सब जगह हैं। और रही बात डर की, तो आपको जब दुनिया का सच्चाई पता ही नहीं है तो किसी भी ख्याल से डर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, पता, आपने भी तो दो बच्चे पाले हैं, मेरे भाइयों के कुल मिला के 6 बच्चे थे दो भाइयों के बीच में, उसमें 4-5 को मैंने कंधे पर सुलाया है। उसमें कई नींद में रोना शुरू करते हैं, जोर जोर से रोना शुरू करते हैं, तो उनको झकझोर के जगाना पड़ता है कि देखो नींद में जिस कारण से रो रहे थे वो कारण तो कहीं नहीं है। और वो फिर अपने आँख खोल के चारों तरफ देखता है, एंड देन द चाइल्ड लाफ्स। तो वही मामला ये है, ये लोग नींद में सो रहे हैं कि अफीम की पिनक में सो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। और वैसे ये बच्चों वाली उपमा इन पर लागू नहीं होती है, ये रो रहे हैं तो बेहतर है ये रोते रहे, ये डरते रहे,
अरे जब हरि भजन नहीं किया तो तुझे सभी डराएंगे ना भाई, तेरे मन में जो मल है हरि भजन से निर्मल चित्त होता है ना, तो हरि भजन बिना मन तो मलिन है, तो भय तो उसका स्थाई निवास है ना। कोई छिपकली से डरेगा, कोई कॉकरोच से डरेगा, कोई मियां लोग से डरेगा, अब इसका कोई उपाय नहीं। तो कुछ चीजें हम पढ़ के सुना रहे हैं और हम जो पढ़ के सुना रहे हैं वो सब सुनते ही बोलेंगे हाँ कुछ सुना तो था, कुछ देखा तो था सोशल मीडिया पर, हाँ हाँ टीवी के डिबेट में कुछ सुना तो था, लेकिन उस सुनने का चित्त पर रेखा नहीं बना। क्यों नहीं बना? मलिन चित्त है, प्रकाश की जानकारी की किरण उसको कोई विशेष असर नहीं कर पाई। तो जिस किताब से मैं पढ़ रही हूं पुस्तक तो साधारण सी है, लेकिन उसका महत्व तो ये मुझे लगा। अभी मैंने खरीदा दिसंबर में दिल्ली से, इट इज अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच एटलीस्ट आई डिड नॉट हैव, एक बात। दूसरी बात, उस तरह की मतलब प्राइमरी बेसिक जानकारियां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड मीडिया में तो नहीं है। ये किताब है ये इकबाल एस हसनैन, हाउ इवेंट्स ऑफ 1979 शेप द इस्लामिक वर्ल्ड, फॉल्ट लाइंस इन द फेथ। तो इसका नाम, किताब का ये कवर, एक ये बंद दरवाजा और दरों में दीवालों में, दर तो बंद है दीवाल में, सुराख है या दीवाले फट गई, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो इसके रोमन 21 से मैं पढ़ रही हूँ, रोमन 20 से और एक लाइन रोमन 19 से जो इसके प्रीफेस का है। बात जो कह रहा है वो ये कह रहा है, अरब वर्ल्ड, अरब में भी सुन्नी, उनमें भी बहावी, सलाफी, इनकी इज़राइल, इनका आर्क एनिमी से रिश्ता कैसा है। तो मेरे सुनने वालों ने बड़ा सुना होगा अभी हाल में अब्राहमिक एकॉर्ड, ये G20 में भी सुना होगा, उसके बाद ये गाजा पट्टी हमास में जो सब उत्पात हुआ, इज़राइल जो इनको अब सफाई कर रहा है उसमें भी बड़ा सुना, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मुझे भी नहीं पता था, थोड़ा सा सुनिए। फॉर द फर्स्ट टाइम All Arab nations seem to be ready to abandon the Palestinian cause. ये अकेली लाइन ही सुनामी है प्रीफेस का, ये कैमरा मेरा प्रीफेस का पेज 19 का ये लास्ट लाइन जो नीचे वाला है, For the first time all Arab nations seem to be ready to abandon the Palestinian cause. इसके बाद इसके शुरू थोड़ी तीन चार लाइन पहले की पढ़ रही हूं। जेयर्ड कुशनर, चीफ एडवाइजर टू द US प्रेसिडेंट ऑन मिडिल ईस्ट अफेयर्स, हैज ब्रॉट इज़राइल क्लोज टू द सऊदी लेड सुन्नी ब्लॉक ऑफ अरब नेशंस। The UAE and Bahrain have already signed an agreement with Israel to establish diplomatic relations. And then same sentence, for the first time, all Arab nations seem to be ready to abandon the Palestinian cause. Ready to abandon? Kahe bhai, kahe ready ho gaye? Kahe abandon ho gaye? फॉल्ट लाइन, एथनिक, ट्राइबल, सेक्टेरियन,
सुनामी। बवाल कब से है? पैगंबर साहब के समय से है। अब क्या हो गया है? सुनामी हो गया है, जिसके कारण सब हवा हवाई या कि सफाई। दस अब पेज रोमन 20 से पढ़ रही, एक एक शब्द चौंकाने वाला है। द सीक्रेट नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट ऑफ अब्राहम एकॉर्ड्स इज अ कॉज फॉर मेजर कंसर्न। साहब क्या कंसर्न है? अंडर इट इज़राइल विल मॉनिटर, क्या क्या मॉनिटर करेगा इज़राइल? सी समुद्र को, एयरपोर्ट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एज वेल एज द बैंक अकाउंट्स इन एमिरेट्स। एमिरेट क्या है? वो यूनाइटेड अरब एमिरेट, वो जो सात नन्हे नन्हे डॉट्स हैं, जिसमें दुबई भी है, दोहा भी है, सात हैं कुल। तो इज़राइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये कितना इकोनॉमिकली पावरफुल है उस पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसका समुद्र मॉनिटर करेगा, एयरपोर्ट मॉनिटर करेगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क मॉनिटर करेगा, एज वेल एज द बैंक अकाउंट इन एमिरेट्स। द 70-year-old इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, द मेन कंसर्न ऑफ अरब नेशंस, हैज गॉन आउट ऑफ द रडार, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? शिया मियां के कारण, जो मियां लोग अपने को शिया कहते हैं उनके कारण। इन शिया मियां लोगों का जो लीडर है, ईरान, पर्शिया, आर्याना, उसके कारण, वो बाद में आएगा। नेवरदलेस ईरान हैज टेकन अ सेंट्रल रोल इन डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड इजराइल हैज पिश्ड इट एज इट्स चीफ एडवर्सरी इन द मिडिल ईस्ट। यहाँ थोड़ा सा हम बता दें, हमास वाले, ये सो कॉल्ड पैलेस्टाइन वाले, गाजा वाले, ये कौन लोग हैं? ये अरब लोग हैं। इनके अपने परिभाषा के अनुसार ईरान कौन है? इनका आर्क एनिमी कौन? शिया, पर्शियन, जो अरबी लोगों को अनकूत, और उस शब्द आएंगे, कई कई बड़े मजेदार शब्द हैं, वो समझते हैं। और सुन्नी लोग मतलब केवल अनकूत और पिछड़े हुए, जाहिल, गंवार, जिनमें एकता नहीं है, कौन समझता है? पर्शियन अरब लोगों को। ईरान वाले, पर्शिया का नया नाम ईरान है, पुराना पर्शिया का एक छोटा वर्जन नेशन स्टेट ईरान है वो इनको। और इस्लाम की बागडोर अरबी लोगों से छीन लिया था सनातन धर्मी पर्शियंस ने, जो स्किन डीप कन्वर्ट हुए थे। और जो ये सुन्नी लोग हैं, उनको सांप और क्या, बिच्छू और क्या क्या कहते हैं, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। हाँ, इज़राइल विल हेल्प, किसको? सुन्नी लोगों को, अरब लोगों को। अच्छा, और दूसरा ध्यान देने का बात है, ईरान का इज़राइल से कोई लेना देना नहीं। कहाँ इज़राइल मेडिटेरियन पर, कहाँ ईरान भारत, ये अफगानिस्तान जो भारत ही है, भारत के पास, वो मेडिटेरियन में, वो ये बीच में इतना बड़ा गैप। लेकिन उसकी चिंता पैलेस्टीनियंस की, इज़राइल से झगड़ा करने की चिंता अब शिया मियां के पास। इज़राइल विल हेल्प इन गैदरिंग
इंटेलिजेंस मतलब गुप्तचरी एंड डेवलपिंग मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर द अरब नेशंस। इसराइल करेगा अरब नेशन की मदद किसके खिलाफ, अभी आगे आएगा, ईरान के खिलाफ, पर्शिया के खिलाफ, ना ना, शिया मिया के खिलाफ। ये क्या है झंझट? सेक्टेरियन। आज सेक्टेरियन पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी, ट्राइबल और एथनिक पर बाद में आऊंगी। अब बहरीन एक नन्हा सा डॉट जैसा आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेशन स्टेट बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस इन द सेकेंड डिकेड ऑफ सेकेंड नहीं थर्ड डिकेड ऑफ लास्ट सेंचुरी 20th सेंचुरी इंटर वॉर पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। बहरीन सुन्नी रूलर्स हैव ऑलवेज फियर्ड द शियाइट मेजॉरिटी इन द कंट्री। ऐसा विचित्र बात क्यों है कि बहरीन की जनसंख्या में मेजॉरिटी तो शिया मिया की है और रूलर है सुन्नी। ये खेला किसका है? ये खेला है फ्रांस का, ये खेला है इंग्लैंड का, ये खेला है काफिर का, ये खेला है जिसके खिलाफ जिहाद चल रहा है, जो इनके खिलाफ क्रूसेड चला रहा था। तो वो क्या करता है, जहां शिया मेजॉरिटी है वहां सुन्नी रूलर कहीं से उठा लाता है, उसकी खोपड़ी पर धर देता है। कब से? 1920 के बाद से। इजराइल्स इंटेलिजेंस सर्विलियंस विल हेल्प देम इन गवर्नेंस। हेल्प देम हुम? सुन्नी अरब अगेंस्ट शिया पर्शियन। अभी और डिटेलिंग आएगी आगे। Another long-term enemy of Israel is the Hamas. Hamas कौन है? सुन्नी है, but funded and militarized by Shia Mia, the militant group that runs Gaza. It is an offshoot of the Muslim Brotherhood. नाम सुना होगा इजिप्ट वाले मामले में। One of the main and common enemies of the Arab monarchies. देखो भाई हमास क्या है? सुन्नी है। निकला किससे है? मुस्लिम ब्रदरहुड से है, वो भी सुन्नी है। आईएसआईएस वो भी सुन्नी है, उसी से निकला है। मुस्लिम ब्रदरहुड से अलकायदा आईसिस हमास ये सब निकले हैं। और इनसे डरता कौन है? अरब मोनार्की। धीरे धीरे आ रहा है। अरब आर्टिफिशियल नेशन स्टेट, अरब नेशन स्टेट में आर्टिफिशियल मोनार्की। भाई 1922 के पहले तो कोई मोनार्की नहीं था। 17वीं शताब्दी 16वीं 15वीं कोई राजा रानी किंग क्वीन नहीं थे। एक खलीफा था जो ओटोमन में बैठा था और वो भी कितना फर्जी था वो अभी बताएंगे आपको। अब मोसाद इजराइल्स इंटेलिजेंस एजेंसी will get complete access to intelligence gatherings of the Arab monarchies in the Gulf region. तो ये है sectarian differences के बवाल की सुनामी, जिस सुनामी के कारण शियाइट मेजॉरिटी पर सुन्नी अरबिक कोई राजा बैठता है। जॉर्डन का राजा सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है और जगह जगह का यहाँ का वहां से वहां का वहां से इसको उठाया उस पर उसको उठाया उस पर। लंबी कथा, इसको पढ़ने का मन हो तो आनंद से पढ़िएगा, मैं तो जरा सा छींट छाट दिखाऊंगी। वो फिल्म का ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर बता रही हूँ। अब अगला लाइन सुनिए, किस कौन लिख रहा है? मिया भाई लिख रहा है। कुसुम लता जी बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। क्या कह रही हैं? द रिजिड आइडियोलॉजी डेमोनाइजेस अदर फेथ्स। अदर फेथ्स हिंदू बुद्धिज्म नहीं,
जुडाइज्म क्रिश्चियनिज्म नहीं, शिया अहमदिया और आगे बहुत सारा 72 फिरका है इनका। द रिजिड आइडियोलॉजी डेमोनाइजेस अदर फेस एंड प्रमोट्स इंटेंस इंटॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बताते हैं कि 72 फिरके, मुझे तो नाम वाम नहीं आता है, 2-4 जानती हूँ, शिया सुन्नी अहमदिया बहाबी और भी है, लेकिन कुल 72 है। 72 हूर भी है, 72 फिरका भी है शायद, या 56 फिरका है, कुछ है। तो ये जो इस्लाम है ये यूनाइट नहीं करता है, ये डिवाइड करता है। हर सेक्ट दूसरे सेक्ट को कत्ले आम के नीचे बात नहीं करता है। हर मियां दूसरी मियां औरत को रेप से कम बात नहीं करता है। अब वो जो औरत है, औरत का अर्थ हम बता चुके हैं, वो चाहे 6 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, चाहे 80 साल की हो, वो क्या है, माले गनीमत है। दैट मीन्स टू बी सेक्सुअली अब्यूज्ड अगेंस्ट हर डिजायर। इसके साथ दूसरे फिरके का जो लड़का है, जो किशोर है, बालक है, युवा है, वृद्ध है, वो सब गिलमा है। सेक्सुअली टू बी सेक्सुअली अब्यूज्ड अगेंस्ट हिज डिजायर। अब एक बात बताने के बाद अब 2-4 चीजें हम और बताते। आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? आदित्य जी यार, अच्छा मुझे कुछ ऐड नहीं करना था, कुछ नहीं ऐड करना। अच्छा ठीक है, तो अब 2-4 चीजें हम आप लोगों को बता दें। एक सऊदी अरेबिया है, थोड़ा उसका नक्शा समझिए। इसके 4 हिस्से हैं। सऊदी अरेबिया जो आज हम जिस नेशन स्टेट के रूप में देख रहे हैं, ये शायद 1932 में एक आर्टिफिशियल नेशन स्टेट के रूप में आया। इसके 4 हिस्से, एक को कहते हैं हिजाज, जिसमें मक्का है, मदीना है, तैफ है। दूसरा है नजद, जहां पर अब रियाद है। सऊदी अरेबिया की राजधानी मक्का नहीं है, मदीना नहीं है, तैफ नहीं है, ये तीनों ओएसिस टाउन है, ये नहीं है, क्या है, सेंट्रल अरेबिया, रबल खाली, भयंकर बियावान, खाली सुनसान, दहकते हुए भट्टी की तरह गरम। कौन सा एरिया? नजद का एरिया, जहां के ये सऊद सज्जन हैं, जो बहाब नाम के एक व्यक्ति की टीचिंग्स को मानते हैं, उन्होंने राजधानी रियाद को बनाई। ये रियाद हुआत की असलियत आप लोग पढ़ लीजिएगा या हम बता देंगे, गूगल पर सर्च कीजिएगा, बहुत मिल जाएगा। तो ये दूसरा हिस्सा हुआ। तीसरा हिस्सा है वो दक्षिण का, और दक्षिण और पूरब का जो समुद्र से सटा हुआ थोड़ा सा मॉइस्ट रीजन है। और चौथा रीजन है जहां तेल है। ये चारों इतने अलग हैं जैसे कि भारत और दक्षिण अमेरिका, इतने अधिक अलग हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण। पैगंबर साहब के समय, पैगंबर साहब का जो कुल शासन बना था, मक्का मदीना तैफ, देयर मैटर एंडेड, नन्हा सा इलाका, 10-15 हजार लोग मुश्किल से रहे होंगे जिन पर पैगंबर साहब का मामला चला। तो ये जो 4 आर्टिफिशियल हिस्से हैं, आर्टिफिशियल या रियल हिस्से हैं, इनको एक किया जबरदस्ती ब्रिटेन ने, और ये चारों में परस्पर भयंकर राइवलरी है। इस हद तक राइवलरी है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 18वीं शताब्दी में ये जो सऊद लोग हैं, ये मक्का और मदीना की मस्जिदों को और मकबरों को
तोड़ने गए थे और मक्का और मदीना वालों ने इनको, जिसको हाशमी हाशमाइट कहते हैं, इनको मार कूट के निकाला, ओटोमन लोगों ने मार कूट के निकाला और वो इनको आज तक शैतान है। दो हो गया। और ये तीसरा जो ईस्टर्न वाला मामला था, इसमें रसीद नाम का आदमी था, इंग्लैंड ने मार पीट के नजद वाले सबूत को मजबूर किया कि तुम उस पूरे इलाके का शासन हाथ में लो। शासन हाथ में क्यों लो? इसलिए लो कि इंग्लैंड को, इंग्लैंड से आए और मेडिटेरियन में घुसे, मेडिटेरियन से रेड सी में घुसे, रेड सी से भारत आना है। ये जो सी लेन है, इस सी लेन में नो डिस्टरबेंस, जैसे आज डिस्टरबेंस हो रहा है हूती लोगों का, जो हो रहा है शियाइट मिया ईरान, हिजबुल्ला, हूती हाउती, जो भी उच्चारण हो, इनको फंड कर रहा है। क्यों? अरब लोगों के, सुन्नी लोगों के, अभी तो इतना ही डिवीजन हम बता रहे हैं, इसमें और फर्दर बहुत डिवीजन है, इनके नाक में दम करने के लिए। लेकिन फिलहाल ये जो सऊदी अरेबिया है, इसका जो चार हिस्सा है, इसमें अनेकानेक ट्राइब हैं। अभी तो मैंने बात की थी क्या, सेक सिया सुन्नी, अनेकानेक ट्राइब हैं और अनेकानेक एथनिसिटी है, और इनमें भयंकर मारकाट है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण ये जो बद्दू लोग हैं, जिनको बेडोइन स्पेलिंग लिखा जाता है, ये बद्दू लोग अपने ग्रुप से बाहर किसी को नहीं जानते, वो भी पढ़ के सुनाऊंगी मैं। ये क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उस विराट रेगिस्तान में व्हाट मैटर्स, द अमाउंट ऑफ ह्यूमन कॉन्टेक्ट मैटर्स इज दैट स्मॉल ग्रुप विच वॉक्स टुगेदर इन अ कारवां, एन स्मॉल कारवां विद भेड़, विद बकरी, फ्रॉम वन नखलिस्तान, वन ओएसिस टू अनदर ओएसिस इन सर्च ऑफ वाटर एंड थोड़ा सा चारा। ठीक है, तो इतना सा भेद तो इस जरा सी जगह में है, जिसमें 50,000 आदमी तब रहे होंगे, तो 4-5 लाख आदमी 19 सेंचुरी तक रहे होंगे। आज जो 3.75 करोड़ हैं, ये यहाँ की अंदर की पॉपुलेशन नहीं है, ये बाहर से आई हुई पॉपुलेशन, और बाहर के माइग्रेशन का हालत ये है कि अबू धाबी में और दुबई में, सब कोटेशन में पढ़ नहीं रही हूं, लोगों को कई कई दिन तक 1 अरब का दर्शन नहीं होगा। किसका दर्शन होगा? नॉन अरब। नॉन अरब कौन? कोई यूरोपियन होगा, कोई साउथ अमेरिकन होगा, कोई चाइनीज होगा, कोई इंडियन होगा, कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी, कोई थाई, दुनिया भर के बाहरी लोग। तो ये अपनी ही जगह में आइसोलेटेड हैं, इसके बावजूद भी ये यूनाइटेड नहीं है, भयंकर मारकाट है, कारण सेक्टेरियन एंटागोनिज्म, और ये बहुत भयंकर है, जिसमें दूसरे सेक्ट को डेमोनाइज करते हैं। कुछ कहना है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं ऐड करना है। एक जस्ट क्वेश्चन आता, आपने अब्राहमिक रिकॉर्ड्स की बात की थी जी, और मैंने उस पर प्रपोजल दिया था कि भारत को भी एक धार्मिक एसोसिएशन या धार्मिक अकॉर्ड करना चाहिए सारे उन देशों से जहां पे पहले धर्म, मतलब हिंदू धर्म जहां पे था। मैंने उसके काउंटर में एक बार बोला था, तो इट वाज एक सारा साउथ ईस्ट एशिया, चाइना भी उधर आएगा, चाइना ने भी इंपोर्ट किया यहां से, और भी पुरानी जगह आएंगी, ईरान भी आएगा उसके अंदर, क्योंकि वहां पे भी पहले सनातन धर्म ही था। तो आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ डिसयूनिटी के सुनामी की बात कर रही हूँ। आप यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, मैं तो डिसयूनिटी की कथा सुना रही हूँ, जो इस्लाम को धरती से साफ करने जा रहा है। कब? आपके नहीं, मेरी लाइफ टाइम में। मैं 70 की हूँ।
लोगों को ये आश्चर्य लगेगा क्योंकि लोगों के पास ये तथ्य नहीं है, केवल दो किताब, एक ये मेरे हाथ में है, द लूम ऑफ टाइम, रॉबर्ट कैप्लान की नई नई किताब आई, और कम से कम 50 किताब तो मेरी लाइब्रेरी में है इस विषय पर, लेकिन बताने की सीमा है। अब एक चीज बता रहे हैं, और रूस चला कहां से, 1979 में। ये किताब क्या हाईलाइट कर रही है, हाउ इवेंट्स ऑफ 1979 शेप द इस्लामिक वर्ल्ड। शेप क्या, वो दरार लाने का, दरार तो डे वन से है। हाँ, एक चीज और बता दें जरूरी है, पैगंबर साहब जन्नत नसी हुए 632 में, और 680 में करबला हो गया, 48 साल के अंदर। करबला होने का मतलब क्या हुआ, इनके जो दामाद हैं और दामाद के दो बेटे यानी दोनों नाती अली हसन और हुसैन, इनको मार दिया, काट दिया, कहां, करबला में। करबला वर्तमान इराक में है, और वही एक जगह और है, क्या जगह है हमको, नजफ, नजफ करके। तो उसी दिन से शिया और सुन्नी वाला मामला आ गया, अली के साथी शिया हो गए और पता नहीं किसके साथी सुन्नी हो गए, ठीक है। यानी नॉट इवन 50 ईयर्स, ये भेद कब का है, विद द बर्थ ऑफ इस्लाम। और 48 साल भी गलत बता रही हूं मैं, सही क्या है, सही ये है, पैगंबर साहब के जाते ही उनका एक ही तो बेटी थी, उस बेटी का एक ही बेटा था, उसको खलीफा बनना था, धोखा देकर बेटे को, नाती को खलीफा नहीं बनाकर ससुर जी खलीफा बन गए। उमर है और एक और है, दोनों ससुर हैं, तो झगड़ा पैगंबर के जन्नत नशी होने पर ही हो गया, लाश घर में ही पड़ी हुई है, और अल्लाह ताला ने एक भी आयत उन चारों के पक्ष में या अली के पक्ष में भेजा ही नहीं, ठीक है। तो द डिस्कॉर्ड वॉज फ्रॉम डे वन, और 48 साल में तो काट कूट के खत्म कर दिया गया। अब दूसरा, 1979 में दूसरी घटना होती है, वो घटना होती है कि सोवियत रूस उतरता है अफगानिस्तान में, क्यों उतरता है, इंडियन ओशन में वार्म वाटर एक्सेस उसको चाहिए, उतरता है तो एक एथनिक ग्रुप उसके साथ है, दूसरा उसके खिलाफ है, उसको इंडियन ओशन तक वार्म वाटर एक्सेस नहीं लेने देना है, किसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान में जाके, बड़े सारे हैं, कोई हजारा है, कोई ताजिक है, कोई पश्तून है, बड़े सारे हैं, तो अफगान हैं और भी कई हैं, तो इनको आपस में लड़ा के, एक फैक्शन इसके साथ, दो फैक्शन रूस के साथ, दो सेक्टेरियन ट्राइबल एथनिक ग्रुप अमेरिका के साथ, फिर ये इसके वो उसके साथ, जाके कुल ये होता है कि अमेरिका बिना अपने सैनिकों को उतारे हुए मियां लोगों से, मियां लोग को कुटवा देता है, और मियां लोगों से कम्युनिस्टों को कुटवाता है, और इस कुल कुटवाने में 4 मिलियन ऑर्डिनरी अफगान्स, 4 मिलियन मतलब 40 लाख मियां डिस्प्लेस्ड इंटरनली एंड अक्रॉस द बॉर्डर इनटू पाकिस्तान, 40 लाख मियां साफ। इसी प्रकार ईरान इराक की जो लड़ाई है, क्या लड़ाई है, मियां की मियां से लड़ाई है, 2.5 मिलियन 25 लाख साफ। इसी प्रकार इराक के भीतर ही
सद्दाम हुसैन, बाथ पार्टी, कुर्द लोग। कुर्द लोग कौन है? जो एक पूरे इस बेल्ट में फैले हुए, कौन सा बेल्ट है? गजला फरात, जो दो नदियां हैं उनका उद्गम जिन पहाड़ियों से है, उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में कुर्द लोग हैं। इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले काफिरों ने इन कुर्द मियां लोग को चार हिस्से में बांट दिया। कुछ सीरिया में गए, कुछ तुर्की में गए, कुछ इराक में गए और कुछ सीरिया में, शायद चार जगह बटे हैं। तो इराक वाले कुर्दों को, कुर्द मियां को सद्दाम हुसैन अलवाइट मियां, अलवाइट सुन्नी मियां और अलवाइट शिया मियां है, शायद सुन्नी नहीं है, और सद्दाम हुसैन शायद सुन्नी, इसमें इतना झंझट है कि मैं भूल जाती। तो 25 लाख साफ, पूरा गणित अगर आप लगाइएगा, केवल 20वीं 21वीं शताब्दी में, पिछले 100 साल में इन्होंने अपने जिसको कहते हैं ये दारुल हर्ब और दारुल पता नहीं क्या, तो इनका जो मुस्लिम इलाका है उसमें जितना मियां इन्होंने काटा है, मारा है, रेप किया है, सेक्सुअली अब्यूज किया है, बेचा है, उतना तो इनकी औकात नहीं है दुनिया में कर पाने। और ये किस ग्राउंड पर किया है? तीन ग्राउंड, एक ट्राइबल डिफरेंसेस, मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ, सेक्टेरियन डिफरेंसेस, और तीसरा है एथनिक डिफरेंसेस। जैसे कुर्द एक अलग एथनिसिटी है, अलवाइट कोई और है, और दुनिया भर के इनके नाम। तो स्वाभाविक है कि आपके ऐसे जबरदस्त डिफरेंसेस का, जिसमें आप एक दूसरे को डेमोनाइज करते हैं, ब्रूटली काटते हैं, मारते हैं, तो आपके अपोनेंट उन दरारों को चौड़ा करेंगे, उन दरारों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जब कुवैत में इराक ने चढ़ाई की, कब? 1993 है शायद, तो अमेरिकन फोर्सेस आई कुवैत को छुड़ाने के लिए, उतरी कहां? इराक के करबला और नजफ वाले इलाके में। और ईरान ने अपने शिया फॉलोअर्स को कह दिया, डोंट प्रोटेस्ट बिकॉज दिस काफिर अमेरिकन फोर्स विल किल, हुम दे विल किल, सुन्नी इराकीस। और भारत में और दुनिया के गधों नालायकों ने क्या फैला दिया है? मियां लोग बहुत यूनाइटेड, हम हिंदू लोग यूनाइटेड नहीं है। तो भाई ऐसे अनपढ़ों का इलाज तो मेरी समझ से ब्रह्मा जी के पास नहीं है, कारण ब्रह्मा जी ने ही इन लोगों को बना के भेजा है, इन मूर्खों को। अरे जब इस्लाम के एक्सपर्ट बन रहे हो तो इस्लाम के बेसिक्स पिछले 100 साल का ही पढ़ लो। तो 38 मिनट हुआ है, कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछिए, फिर हम थोड़ा सा और ले लें एक आध विषय। एक्चुअली कुछ मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, तो आप कंटिन्यू करिए। इस विषय में मेरे पास कोई क्वेश्चन होते नहीं है इस्लाम के विषय में। अच्छा, तो मैं दो तीन चीज और पढ़ के सुनाना चाहूंगी, जिसको जाने बिना इनके इस डिफरेंसेस के बवाल को, जो अब सुनामी में कन्वर्ट हो गया है, समझा नहीं जा सकता। वो क्या है? इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र कहाँ की? मेडिटेरियन से लेके ये जिसको आजकल ये अरब सागर कह रहे हैं या फारस की खाड़ी कहते हैं, जो वस्तुतः सिंधु सागर की खाड़ी है, सिंधु सागर है, ये जो क्षेत्र है जिसमें यहाँ ये 15-20 देश हैं, दो यमन, दो ओमान, 7 मिला के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स,
ऊपर है कुवैत, ईरान, इराक, उधर चले जाइए, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, कुल मिला के 15-16 जो देश हैं, इनका ज्योग्राफी कैसा है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ द लूम ऑफ टाइम, रॉबर्ट कैपलान का, अध्याय 6, अरेबिया डेजर्ट, पेज संख्या 173। अरेबिया वॉज द एनविल एंड क्रूसिबल थ्रू विच द करेक्टर ऑफ एन इंग्लिश मैन माइट बी टेस्टेड एंड फोर्स्ड। इट इज अ लैंड ऑफ क्लाउड लाइक स्ट्रेंज वेस्टेड रेंजेस, हॉरिड सैंड स्टोन डेजोल्यूशन, रोम्बॉइड मासेस एंड रेपिटेटिव घास्टली ग्रीनिंग जियोलॉजिकल शेप्स, घास्टली ग्रीनिंग जियोलॉजिकल शेप्स। इट इज अ यूनिवर्स ऑफ क्रुएल्टी वेयर थीव्स आर स्लोली बीटन टू डेथ, वेयर डाइंग मेन आर स्ट्रिप्ड बेयर ऑन द रोड बिफोर दे एक्सपेंड दियर लास्ट ब्रेथ, वेयर मेन मार्च फोर्थ इन अ परगेट्री ऑफ एकिंग फटीग, वेयर देयर इज ऑफन नथिंग टू ईट बट लोकोस टिड्डा एंड नथिंग टू ड्रिंक बट वॉटर फुल ऑफ स्विमिंग वर्मी, तैरते हुए कीड़े। इन द कोर्स ऑफ 2 years ऑफ वॉन्डरिंग एमिड दीज वास्ट लावा फील्ड्स, लावा क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाला दहकता लावा, यहाँ ज्वालामुखी नहीं है, रेगिस्तान दहक रहा है लावा। In these vast lava fields and slag heaps offering barely an inch of shade. तो रेगिस्तान कैसा है? ये भारत का रेगिस्तान नहीं है, ये राजस्थान का रेगिस्तान नहीं है, ये हमारी सुंदर मरुभूमि नहीं है, जहां रंगों का, जिसको ये अंग्रेजी में रॉयट्स कहते हैं, हम कहेंगे जहां रंगों की होली है ना, ये इतना भयंकर है। थोड़ा ब्रीफ में समझा दे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है, नंगी जलती हुई पहाड़ियां हैं, तेज धार की पतली कुछ नदियां हैं, नन्हे नन्हे ओएसिस हैं, कुछ पहाड़ों की हरी घाटियां हैं जिसको ये वादियां कहते हैं। तो जहां मनुष्य के जीने का उपाय है वहां छोटे छोटे सेटलमेंट है। तो वादी में जो सेटलमेंट है, कहीं खेती हो रहा है, वहां रहन सहन जीवन का प्रकार अलग है। जहां चरागाह हैं, लेकिन पर्याप्त चरागाह हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह ऋतु के अनुसार पशुओं को लेके जा रहे हैं, जीवन रहन सहन, जिसको कल्चर और सिविलाइजेशन कहते हैं, अलग है। जो पहाड़ियों के ऊपर रह रहे हैं किंतु थोड़ा वाष्पीकरण है, उष्मा है, थोड़ा सा खेती बाड़ी फल फूल हरितमा है, उसका अलग है। जहां ऐसी पहाड़ियां हैं जहां मुश्किल से कोई 2-3 महीने कुछ खाने पीने का जुगाड़ है, उसका अलग है। इसके अलावा रेगिस्तान का अलग है। रेगिस्तान से नखलिस्तान तक की यात्रा करने वाले अलग हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो समुद्र की तरफ नन्हे नन्हे सेटलमेंट्स हैं, इसके लिए किसी ने लिखा, शायद कापलान में लिखा है, Crawling between giant thumbs,
क्या सुंदर उपमा है कि नन्हे नन्हे कीड़ों की तरह जिनकी उपस्थिति है जायंट थम भारत, भारत के व्यापारी ऐसे ही थोड़ी मंदिर बन गया है। तो इनका समुद्री जीवन अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक, ये कब से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बिफोर 600, जबकि ये इस्लाम बताया जाता है, एक साहब कहीं से उतरा था पैगंबर साहब को, उसके पहले से ये सब हालत है। इस्लाम के कारण क्या हो गया, इन सब हिस्सों में अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग ज्योग्राफिकल इलाके, अलग अलग सोच समझ, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, इनमें और भयंकर कटुता और लड़ाई। इसमें और जोड़ दीजिए, ये जो सेंट्रल एशिया है जहां से माइग्रेशन हुआ है यूरोप में, वहीं से लगातार माइग्रेशन हुआ है यहाँ भी, जिनको तुर्क कहते हैं, तुर्क कहते हैं, वो कौन है, सनातनी तुर्क, जिन्होंने इस्लाम अपनाया या नहीं अपनाया, मार के थोपा गया, स्ट्रेटेजिकली लिया, बट इट वॉज ओनली स्किन डीप। तो इन तुर्कों के वेव्स वहां से आ रहे हैं, कब, छठवीं शताब्दी से लेकर कम से कम 13वीं-14वीं चंगेज खान तक ये जो आ रहे हैं, वो यहाँ जो सेटल लोग हैं, और चंगेज खान के बाद ये जिसको आज का तुर्की कहते हैं, ये तुर्की नाम, तुर्किये नाम कहाँ से आया, तुर्क लोगों से आया। तुर्क लोगों का होमलैंड क्या है, सेंट्रल एशिया। असली तुर्किस्तान कहाँ है, सेंट्रल एशिया, जिसको आज उइगर कह रहे हो, ये ईस्ट तुर्किस्तान है। ये तुर्क लोग कौन है, जिसको हमारी नंदिनी ने क्रोध में आकर उत्पन्न कर दिया था, सब सनातनी है। तो ये जब जाते हैं इनको काटते मारते हैं, इसी में ममुलक लोग हैं, इसी में मंगोल लोग हैं, और भी 4-5-6 नाम है, ये बार बार आते हैं, इनको मारते काटते हैं। और जब ये आते हैं तो सेंट्रल एशिया के भाषा, देवी देवता, पहनने का कपड़ा लत्ता, खाना पीना, भोजन, भेषज, लड़ने का तरीका, इसके साथ आते हैं, पैचवर्क होता है, पूरा का पूरा क्विल्ट का मामला है, कल्चर अपना अपना सब लेके आते हैं। तो ये जो टेपेस्ट्री है यहाँ की, जिसको भारतीय इस्लामिस्ट मान एकता कुरान के कारण वो सर कूट रहे हैं, अभी हम कुछ पढ़ के आप लोग को, आज तो समय हो गया है, अगली बार कुछ पढ़ के सुनाएंगे, किस गंदे शब्दों में एक दूसरे को केवल गाली नहीं दे रहे हैं, और कैसी बूचरी, किस सेवेज क्रुएल्टी की, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको कैप्लान से। तो ये जो ज्योग्राफी है, यानी करेला, ऊपर से इस्लाम का नीम चढ़ा, तो जो मारकाट 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ, वो बवाल अब सुनामी बन गया, क्योंकि इसमें तड़का लगा दिया अल्लाह ताला ने ऑयल का, तेल का। तो जो तेल का तड़का लगा, ये मेहर है अल्लाह का कि कहर है अल्लाह की, तेरी मेहरबानी है कि तेरा श्राप है, क्योंकि इस तेल के पीछे पीछे इस पूरे इलाके में कौन आ गया, इंग्लैंड वाला आ गया, फ्रांस वाला आ गया, रूस वाला आ गया, अमेरिका वाला आ गया, और सब अपने अपने खोपड़ी के अनुसार पिछलग्गू तैयार कर रहे हैं, इसको इससे लड़ा रहे हैं, उसको उससे लड़ा रहे, तेल ले जा रहे हैं, तेल का दाम इन सबों ने 4-6 गुना कर दिया, तो पेट्रोल डॉलर के रूप में ले जा रहे हैं, इनको दे क्या रहे हैं, अगली ऑप्सीन लग्जरी प्लस
ड्रग्स प्लस आर्मामेंट प्लस वो जो अब्राहम एकॉर्ड, तो ये 50 मिनट संपन्न हुआ। आज मैं जो कहना चाहती थी वो थोड़ा कह पाई हूं, लेकिन इसी का विस्तार आपको और बहुत पढ़ने को मिल जाएगा। एक दिन मैं कोई 10-15 किताब आपको दिखा दू। एक्चुअली इतना भी लोगों के लिए बहुत होगा, क्योंकि अभी तक तो अभी लोग इसका पूरा सीरीज देखें और 4-5 वीडियो का सीरीज होगा उसको जरूर देखें, और पिछला जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टाइम स्टैम्प मिलता है सारे वीडियोस का, कौन से दिन कौन सा वीडियो रिलीज हुआ है, तो उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से लोग देखें कुसुम लता जी के वीडियोस, क्योंकि वहां पे नेचुरल सीक्वेंस बना हुआ है इन द प्लेलिस्ट, तो वहां पे दिख जाएगा कि कौन सा वीडियो कैसे सीरीज हो रहा है, और कहीं कहीं हमने सीरीज ब्रेक किया है। जैसे हमने राम जन्मभूमि पे जब अभी हमारा जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तब वो सीरीज वो भी वीडियोस हैं कुसुम लता जी के, तो आप अगर टाइम सीरीज में देखेंगे तो आपको सारे वीडियो सीक्वेंशियली दिखाई देंगे वहां पर। तो प्लेलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पॉइंट बाय पॉइंट देखें। और उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ये जो इसको अगर आपको इतिहास मालूम नहीं है तो आज की प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगी नहीं। और जो जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इन्होंने मतलब जितना जुल्म बोलूंगा अपने लोगों पे किया है, और एक राहुल गांधी का शब्द यूज होता है हर बार, जुम्बाबाजी, तो जुम्बाबाजी इन्होंने अपने ऊपर ज्यादा करी है, दूसरों के ऊपर कम। तो जो ये बोलते हैं वो जरा उसको भूल जाइए, लेकिन इनके इतिहास पे जाइए। और अब उनको जब अभी हम लोग तो इनके जैसा बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको एक्सपोज जरूर कर सकते हैं इन्हीं के इतिहास से, इन्हीं की पुस्तकों से, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और चिंतित होना बंद कर दीजिए, अभी कुसुम लता जी ने बोला और भगवान कृष्ण ने तो बोला ही है, भयम भीति अभिनिवेशता स्यात्, हरि नाम भजन से एकदम सशक्त हनुमान जैसे बने। और कई लोगों को डर से प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, यस, डरते डरते हमको ये डर लग रहा है, हमको वो डर लग रहा है, कांप रहे हैं, फिर होटल में जाके कुछ खा पी रहे हैं, फिर थोड़ा शराब वराब पी रहे हैं, फिर डर रहे हैं, डर डर के तो कमाई हो जाती है ना भाई। नहीं, वो एक इंग्लिश का फ्रेज है ना, आई एम स्केर्ड, ये हर कोई यूज करता है, बड़ा कॉमनली यूज करता है, आई एम गेटिंग वरीड, आई एम गेटिंग स्केर्ड, आई एम फियरिंग दिस हैपनिंग। ये इंग्लिश के जो फ्रेजेस को हम लोगों ने हिंदी में जो ट्रांसलेट कर दिया है ना, उसका गड़बड़ी है ये सारा, यानी भाषा का गड़बड़ी है। तो ये आई एम स्केर्ड, फियर्ड, इन सबको निकाल दीजिए डिक्शनरी से, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है भाई। पुरुषार्थी के लिए तो सब पौरुष के अवसर है, वीरता को अवसर है। नहीं, बॉम्बे में कहावत होती है, माया दास सदा उदास, हाँ, कृष्ण दास बिंदास, बिंदास बिंदास बनो, बिंदास, डरने की आवश्यकता नहीं है ना, बिल्कुल। और राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण को मारना है तो कोई बचा नहीं सकता, कोई अगर कृष्ण को बचाना है तो कोई मार नहीं सकता। तो ऐसा विश्वास करके जिन मतलब जीवन को जीने की का तरीका सीखना चाहिए, और डर डर के जिया नहीं जाता, क्योंकि डर डर के तो कुत्ते बिल्ली और ये सब लोग रहते, हिरण रहता है, हम लोग तो अब अगले 10-20-100 साल में कुछ है ही नहीं, इतना भी डरने लायक नहीं है। ये इस पर हजारों पुस्तकें छप रही हैं, अब न पढ़ के कांपते रहे उसमें भी मजा आता है, रोने में भी मजा आता है, तो वही मजा ले लो भाई तुम लोग। नहीं, आपने आपके करियर में आपने इतने इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे हिंदुओं पे खास अटैक हुआ है, जहाँ पे एंड उसके बाद भी आप मुस्कुरा के, आप तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारी मतलब भगवती, मतलब जिस तरह आप चली हैं वहां पे, उस समय भी आप निडर थे, आज भी आप निडर हैं। बोले रहती थी बनारस में, 5-5 हजार मियां जाते थे, और मेरी सिक्योरिटी के लिए पीएससी लगी थी, और मैं अपने बगीचे में बैठ के ऐसे देखती थी, पीएससी वाले बोलते थे मैडम अंदर चले जाइए, बोली क्यों चले जाइए, और सच्चाई ये थी कि बनारस में ये फैल गया था, सब इनसे डरते और कई बार दो मियां में आपस में झगड़ा हो जाता था,
तो एक मियाँ आके मेरे बगीचे में बैठ जाता था अनदर मियाँ दैट शी इज विद मी बनारस में जाके पूछिएगा जिसको भोलेनाथ बचाए उसको कौन पकड़ सकता है, सरलता है। आदित्य जी रोज की जिंदगी में इंटेलिजेंस का तो यूज करोगे ना भाई बिल्कुल तो एक महिला के लिए 5,000 आए वो साला चीटी भी नहीं हुआ ना चीटी भी 150 आएगा एक महिला के लिए तो इतना सा बुच्चा सा बच्चा ही पर्याप्त था तो वो संख्या उनके भय को बता रही थी। अच्छा कोई मुझसे पूछेगा कि ये संदेश खाली में क्या हुआ इसका क्या हुआ, वो मैं अलग किसी विषय में कभी और बात करेंगे, वो हम लोग कुसुम रामेश्वर जी से पूछेंगे कि उसका इतिहास कैसा है और तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के विषय पे हम लोग यहीं पे स्टिक रहते हैं कि आज का विषय जो है हमारा कि इस्लाम कैसे मिट रहा है धीरे धीरे। और 5 हमको समय दीजिएगा, 5 श्लोक, 5 सीरीज कम से कम 5। यस, तो दर्शकों प्लेलिस्ट पे जाइए, कुसुमलता प्लेलिस्ट एसोटोलॉजी पे हम लोग बार बार पब्लिश करते रहते हैं, लेकिन आप चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से वीडियोस देखिए सारे के सारे, तो आपको सीरीज में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यूरोप सीरीज में तो 22 वीडियोस हैं, 22, तो वो करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा, आप देखेंगे तो उसको और चलाएंगे लोग 100 तक जाएगा वो 100 तक चलेगा। चलिए और 108 हम दुशाला को भूल गए, कर्णों की एक बहन, तो 101 हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है 101 करेंगे, 101 तो श्रद्धांजलि, बट इस्लाम में तो 5 ही काफी है, तो 5 ही में समझ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल फॉर जॉइनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट्स आप लिखेंगे तो मैं कमेंट्स आपके कुसुमदास जी को भेज दूंगा, उसके हम लोग आंसर कर देंगे वहां से। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर जॉइनिंग, और वापस मिलेंगे अगले शो में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।